नमस्कार, लोकल वेल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोकल वेल मोबाइल ऐप के लेटेस्ट फीचर प्रोडक्ट सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रोडक्ट सेटिंग फीचर लोकल वेल डेस्कटॉप ऐप और मोबाइल ऐप दोनों में अवेलेबल है। डेस्कटॉप ऐप में आप बल्क में मल्टीपल प्रोडक्ट की सेटिंग्स एक साथ चेंज कर सकते हैं। तो इस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो इन केस अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो प्राइम बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लोकल वेल मोबाइल ऐप में प्रोडक्ट की सेटिंग्स चेंज करने के लिए आप सबसे पहले स्टॉक सेक्शन पे आएं और जिस भी प्रोडक्ट की आपको सेटिंग्स चेंज करनी है आप उस प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च कर लें। प्रोडक्ट आने के बाद आप उस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड पे एक सेटिंग का आइकन नजर आएगा, आप उस आइकन पर क्लिक कर दें। सेटिंग आइकन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोडक्ट सेटिंग्स का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगे, पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है डिस्काउंट और तीसरा है ऑर्डर बुक। तो प्रोडक्ट में आपको सबसे पहले जो भी उस प्रोडक्ट का नाम है वो नजर आएगा, फिर वो किस कंपनी का है और उस प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन क्या है। प्रोडक्ट फॉर्म के राइट हैंड साइड में आपको स्टॉक लोकेशन का ऑप्शन दिखता है। तो लोकल वेल में आप जब भी स्टॉक ऐड करते हैं तो लोकल वेल आपको लोकेशन ऐड करने का ऑप्शन देता है। लोकेशन मींस कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके मेडिकल स्टोर में कौन सी रैक की कौन सी रॉ में रखा हुआ है। तो इन केस अगर इस प्रोडक्ट की लोकेशन आपके स्टोर में चेंज हो गई है तो उस लोकेशन को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे है आइटम बार कोड, तो आप उस प्रोडक्ट का बार कोड नंबर भी चेंज कर सकते हैं मैन्युअली। और अगर आप एडिट बारकोड पर जाते हैं तो आप उस प्रोडक्ट के बारकोड को स्कैन करके भी यहां पर अपडेट कर सकते हैं। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कैटेगरीज। कैटेगरी ऑप्शन में आपको मल्टीपल अलग अलग प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज दी गई हैं, तो जिस भी कैटेगरी में ये प्रोडक्ट सूटेड है उस कैटेगरी को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और प्रोडक्ट का हमारा लास्ट ऑप्शन है इनेबल लूज बिलिंग। इनेबल लूज बिलिंग मतलब काफी बार ऐसे कस्टमर आते हैं जिन्हें पर्टिकुलर मेडिसिन की पूरी स्ट्रिप नहीं चाहिए होती है, उन्हें कभी दो मेडिसिन चाहिए होती है या कभी तीन मेडिसिन चाहिए होती है, तो उसे हम लूज बिलिंग बोलते हैं। तो अगर आप यहां से इनेबल लूज बिलिंग को अनचेक कर देंगे तो सेल एड करते टाइम आपके पास इस प्रोडक्ट का लूज बिलिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन आप इनेबल लूज बिलिंग अगर चेक कर देंगे तो सेल एड करते टाइम आप इस प्रोडक्ट की लूज बिलिंग भी कर सकते। ऑप्शन नंबर टू है डिस्काउंट। डिस्काउंट सेक्शन में आपको उस प्रोडक्ट की एमआरपी दिखेगी, नेट रेट दिखेगी और मार्जिन दिखेगा डिस्काउंट से पहले वाला, और उसके जस्ट नीचे है मिनिमम और मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए यहां पर डिस्काउंट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट का मिनिमम डिस्काउंट कितना होना चाहिए और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम डिस्काउंट सेट करने के बाद आपको उसके नीचे मार्जिन भी पता लगेगा कि मिनिमम डिस्काउंट के बाद कितना मार्जिन बच रहा है और मैक्सिमम डिस्काउंट के बाद कितना मार्जिन है। उसके जस्ट नीचे आपको ऑनलाइन स्टोर डिस्काउंट का ऑप्शन नजर आता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑनलाइन स्टोर पर लिस्टेड कराना चाहते हैं तो आप इसे चेक कर दें। लिस्टेड कराने के बाद आप उस ऑनलाइन स्टोर का डिस्काउंट भी यहीं से तय कर सकते हैं। ऑर्डर बुक फीचर अभी करंटली डेवलपमेंट में है, जल्दी ही ऑर्डर बुक फीचर लाइव होने पर हम उस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, तो उस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ऑर्डर बुक काम कैसे करते हैं। तो जो भी सेटिंग्स आपने चेंज करी है इस प्रोडक्ट की उसके बाद आप इसे अपडेट कर दें। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से लोकल वेल मोबाइल ऐप में किसी भी प्रोडक्ट की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। यहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फीचर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।